फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत मदान हूँ। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में सीनियर कंसल्टेंट और डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एंड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हूँ। अक्सर हमारी सोसाइटी में एक ये विचारधारा है कि विमेन को हार्ट डिजीज़ शायद कम होता है या होता ही नहीं है। जब विमेन को मैं देखता हूँ, जब विमेन को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज़ को, तो अक्सर उनके परिवार वाले ये कहते हैं कि तुम्हें कौन सी बिज़नेस की टेंशन थी या तुम्हें कौन से काम की टेंशन थी कि तुम्हें हार्ट की बीमारी हो गई या तुम हार्ट की बीमारी ले बैठी हो। एक थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न डेफिनेटली है कि लेडीज़ को हार्ट की बीमारी थोड़ी कम होती है। इसका फिलोसफिकल रीज़न ये कहा जाता है कि जब तक विमेन एक चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं, जब तक विमेन प्री मेनोपॉजल होती हैं, तब तक उनमें ईस्ट्रोजन जो होता है वो हार्ट की बीमारी से थोड़ा प्रोटेक्ट करता है। उसी वजह से विमेन का या लेडीज़ का ब्लड प्रेशर जो है वो रिलेटिवली थोड़ा लो होता है। लेडीज़ में बाकी की बीमारियां हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। बट दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये सारा इक्वेशन चेंज हो जाता है। पहला फैक्टर ये होता है कि अगर किसी लेडी को डायबिटीज़ हो जाए तो उसको ये जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है ऑफ बीइंग अ लेडी वो लूज़ कर देती है। इनफैक्ट डायबिटिक विमेन हैव मच वर्स हार्ट डिजीज़ दैन डायबिटिक मेन। देयरफॉर अगर शुगर की बीमारी हो जाए तो लेडीज़ में ये एडवांटेज ख़त्म हो जाता है। दूसरा, मेनोपॉज होने के बाद लेडीज़ को एडवांटेज ऑफ बीइंग अ लेडी वो एडवांटेज धीमे धीमे ख़त्म हो जाता है। एंड इट इज़ सेड कि बाय 10 इयर्स आफ्टर मेनोपॉज, दैट इज़ रफली अराउंड से 60 इयर्स और 55 टू 60 इयर्स, लेडीज़ और मेन का जो हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस है वो लगभग इक्वलाइज कर देते हैं। तीसरा फैक्टर जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि अगर एक लेडी स्मोकर है, जो कि आजकल की सोसाइटी में धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, तो अगर स्मोकर है तो स्मोकिंग के बाद भी उसका जो बेनिफिट है लेडी होने का वो हार्ट डिजीज़ में कम हो जाता है। फाइनली ये देखा गया है कि इंडियन लेडीज़ में खासकर अगर हार्ट की बीमारी उनको हो जाती है, अगर हार्ट अटैक लेडीज़ को हो जाता है, तो एक्चुअली लेडीज़ के आउटकम्स जो हैं वो मेन से ज़्यादा ख़राब होते हैं। इसके मल्टीपल कारण हैं। एक तो लेडीज़ को अटेंशन थोड़ी देर से मिलती है, दूसरा लेडीज़ के जो आर्टरीज़ होती हैं वो मेन के हिसाब से पतली होती हैं, और डायबिटिक लेडीज़ में खासकर डिफ्यूज़ डिजीज़ होने के ज़्यादा चांस होते हैं, जिसकी वजह से वो ना तो स्टेंटिंग के और ना बाईपास के लिए इतनी उचित कैंडिडेट्स होती हैं जितने कि मेन होते हैं। तो ओवरऑल भगवान ने तो लेडीज़ को थोड़े बहुत एडवांटेजेस दिए, बट अगर डायबिटीज़ हो गई या हमने अपनी आदतों की वजह से स्मोकिंग शुरू कर दी तो ये एडवांटेज ख़त्म हो जाता है। और मेनोपॉज के बाद एडवांटेज ऑफ बीइंग अ लेडी वो धीमे धीमे ख़त्म होके बाय 10 इयर्स आफ्टर मेनोपॉज लेडीज़ का एडवांटेज इन हार्ट डिजीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।